CR International School online classes. How are you, student? I think everyone is fine there. Take care of yourself, beta. Class. कौन सी है आपकी class? First. Subject कौन सा पढ़ने जा रहे हैं बेटा? हम maths. Maths में बेटा आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज हम आपको नई चीज सिखाने जा रहे हैं. क्या? Time. यानी time देखना हम सिखाने जा रहे हैं. Time means क्या होता है बेटा? Time means क्या होता है? वक्त. क्या होता है? वक्त. क्या होता है? वक्त. अभी कितना वक्त हुआ है? कितना टाइम हुआ है? हम ये किससे देखते हैं? हम क्लॉक से, यानी क्लॉक यानी घड़ी से. वॉच जो हाथ पे बांधते हैं क्लॉक वो, और जो दीवार पे लगी होती है वो, हम उनसे क्या पता करते हैं? टाइम का पता चलता है कि अभी कितने बजे हैं. ठीक है, पर अभी तो आपको ये देखना नहीं आता. ये हम कैसे देखेंगे? तो हम आपको थोड़ा सा इसको देखना सिखाएंगे. सबसे पहले तो हम क्लॉक बनाना सीखेंगे कि हमने अपनी नोटबुक में अगर क्लॉक बनानी है तो वो कैसे बनाएंगे. ठीक है बेटा, क्लॉक कैसी होती है बेटा? क्लॉक अलग अलग शेप की होती है. अलग अलग शेप की होती है, आपने देखा होगा हर एक घर में अलग अलग शेप की होती है. आपके घर में अगर सर्कल की है तो स्क्वायर किसी के घर में होगी, किसी के घर में रेक्टेंगल होगी, किसी घर में ऑल शेप की यानी एक्स शेप की होगी, होगी ना, किसी घर में ट्रायंगल शेप की भी होगी. क्लॉक अलग अलग शेप की हो सकती है, हो सकती है ना. पर टाइम तो एक जैसा ही दिखता है सब में, दिखता है ना बेटा. जो क्लॉक होते हैं, क्लॉक के अंदर 1 से लेकर 12 नंबर तक के नंबर होते हैं. कौन कौन से नंबर होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नंबर होते हैं. कितने नंबर होते हैं? 12 नंबर होते हैं बेटा. एक नंबर से, जैसे 1 नंबर से 2 नंबर तक जाने के लिए 5 सेकंड लगते हैं. यानी इनके अंदर 5 लाइंस होती है, 1 2 3 4 5. हर एक नंबर के बीच में 5 मिनट का डिस्टेंस होता है. कितने मिनट का? 5 मिनट का. 1 2 3 4 5, हर एक में 5 मिनट का डिस्टेंस होता है. ठीक है, कितने नंबर होते हैं? 1 से 12 नंबर होते बेटा. अब ये देखो, इसमें 2 हैंड्स होते हैं, एक स्मॉल हैंड होता है और एक बिग हैंड होता है. यानी स्मॉल मतलब छोटा, स्मॉल मतलब छोटा. ये जो होते हैं इन्हें क्या कहा जाता है? हैंड्स कहा जाता है. एक स्मॉल हैंड होता है और एक बिग हैंड होता है, यानी एक छोटा हैंड होता है और एक बड़ा हाथ होता है, जिसे कि हम सुई कहते हैं, घड़ी की सुई बोलते हैं. छोटी सुई और बड़ी सुई होती है, यानी स्मॉल हैंड और बिग हैंड होता है. ठीक है, अब हम देखेंगे बेटा स्मॉल हैंड. जो स्मॉल हैंड है वो किस पर है, किस पर शो हो रहा है? देखिए यहाँ पर किस पर शो हो रहा है? कितना नंबर है ये? 7. कितना नंबर है? 7. तो क्या है ये? 7. और बिग हैंड किस पर है? देखो किस पर आ रहा है ये? 12 पर आ रहा है. किस पर आ रहा है? 12 पर आ रहा है. तो इसे क्या कहा जाएगा? ऐसे 2 बिंदी लगाई जाएगी और 20 लगाई जाएंगे, तो ये क्या कहलाता है? 7 o'clock. क्या कहलाता है? 7 o'clock. यानी कितने बचे हैं इसमें? 7 बजे हैं. इस घड़ी में कितने बजे हैं? 7 बजे, यानी 7 बज गए हैं. ओके, सबसे पहले हम देखेंगे बेटा क्लॉक बनाना. आपकी नोटबुक इस तरीके से बॉक्स वाली होती है. कौन सी होती है? इस तरीके से बॉक्स वाली होती. अब ऐसी बॉक्स वाली नोटबुक पे हमने क्लॉक कैसे बनानी है? आप सर्कल में भी बना सकते हो. आप अपनी चूड़ी रखकर और इस तरीके से आप सर्कल में क्लॉक बना सकते हो. ठीक है, पर आपको इससे ज्यादा ये इजी रहेगी. आपने कैसे करना है? कितने बॉक्स लेने बेटा? 1 2 3 4. 4 बॉक्स पे ऐसे लाइन करनी है, जो आपकी यहाँ पर ऑटोमेटिक लाइन डली होती है, जो और आपके पास में एडवांस अपने बुक नोटबुक के अंदर लाइन डली हुई. 1 2 3 4, यानी 4 बॉक्स की ऐसे लाइन, 4 बॉक्स की ऐसे लाइन और 4 बॉक्स की ऐसे लाइन और 4 बॉक्स की ऐसे लाइन. आपने इस तरीके से ये लाइन लेनी है, इस तरीके से लाइन लेनी. अब मैं थोड़ा सा इसको लाइट कर देती हूँ बेटा, ताकि आपको समझ में आ जाए. ठीक है, अब देखो बेटा, आपने ये जो बॉक्स बना लिया, इस तरीके से आपने सिर्फ बाहर वाले साइड में आपने इस तरीके से बॉक्स बनाना है. ठीक है, अब ये जो ऊपर वाली लाइन है बेटा,
सबसे पहले यहां पर देखेंगे सेंटर में यानी बीच में जो लाइन आ रही है यहां पर हम लिखेंगे 12। क्या लिखेंगे? 12। क्या लिखेंगे? 12, 1 to 12। 12 के बाद में हम यहां पर शुरू करेंगे 1 लिखना। ये जो लाइन है यहीं पर ही जस्ट देखो लाइन, ये लाइन आ रही है, यहां पर लिखेंगे 1। इस लाइन पर इधर लिखेंगे 2। नेक्स्ट क्या लिखेंगे? 3। इधर 4। हर एक लाइन पर आपने लिखते जाना है 4। यहां लिखेंगे 5, यहां लिखेंगे 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10 और ये 1 1 11। आपने हर एक लाइन पर लिखते जाना। देखो मैंने लाइन पर लिखा है, लाइन पर लिखा है ना, इस तरीके से लिखना है। अब देखेंगे बेटा यहां पर ये आ रहा है इसका सेंटर पॉइंट। मैं यहां पर बड़ी सी एक डॉट लगा देती हूँ, एक बिंदी लगा देती हूँ, ठीक है। अब मुझे बेटा मैंने ये नंबर डाल ली है, कौन सा नंबर? अब मैं ये जो है ना, अभी मैं इसको इरेज कर देती हूँ ताकि आपको ये क्लॉक क्लियर दिखे, ठीक है। मैंने इस तरीके से ये इरेज कर दिया। आपने इरेज नहीं करना, आपकी नोटबुक का इरेज नहीं होगा, बस आपने इस बॉक्स पर और नंबर किस पे लिखने, आपने लाइन पर नंबर लिखने, आपने इस बात पर ध्यान देना है। अब बेटा मैंने इसमें टाइम दिखाना है 4 o'clock। देखो हमें जो टाइम दिखाना है, तो अगर मुझे 4 o'clock दिखाने हैं, कितने बजे? 4 o'clock यानी कितने बजे हैं? 4 बजे हैं। तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4:00, ठीक है। तो क्या इसे कहेंगे? इसे भी 4 o'clock कहते हैं, इसे भी कहते हैं। हम इस तरीके, इस दो तरीके से हम टाइम लिख सकते हैं। अब मुझे इसमें दिखाना है 4 o'clock। अब बेटा जो ये टाइम बताया जा रहा है 4 o'clock यानी 4 बजे का टाइम बताया जा रहा है, तो हमारा जो स्मॉल हैंड होता है, ये जो स्मॉल हैंड, छोटा हैंड होता है, स्मॉल हैंड होता है, वो किस पर होगा? 4 पर। किस पर होगा? 4 पर। तो आपने इसको 4 पर इस तरीके से स्मॉल हैंड, वो आपका क्लियर दिखना चाहिए। देखो और मैं बिंदी डालकर बता रही हूं आपको, देखो 4 पर आ रहा है ना, स्मॉल हैंड किस पे होगा? 4 पर। और बिग हैंड यानी बड़ा हैंड किस पे होगा? 12 पर। ये किस पे आ रहा है? 12 पर। तो मैंने क्या टाइम बनाया है? ये 4 o'clock। क्या टाइम बनाया? 4 o'clock। अगर मुझे इसी को अगर मुझे 5 o'clock बताना है, 5 o'clock बताना है यानी 5 बज के बताना है, तो मैं क्या करूंगी, ये जो 4 वाला है लाइन, इसे मैं 5 पर कर दूंगी, स्मॉल हैंड को 5 पर कर दूंगी। देखो ये 5 पर आ गया, तो क्या टाइम हो गया? ये 5 o'clock। अगर मुझे 6 o'clock बताना है, तो चलो मैं 6 o'clock बनाती हूँ इसको। चलो मैं 6 o'clock बनाती हूँ। कैसे बनाऊंगी मैं? स्मॉल हैंड किस पे करूंगी? 6 पर। देखो 6 पर कर दिया, क्या हो गया टाइम? है 6 o'clock। अब अगर मुझे ये 9 o'clock बनाना है, 9 o'clock, देखो मैं यहां पर भी चेंज कर रही हूँ, कौन सा टाइम बता रही हूँ, अब मैं कौन सा टाइम लिखू बनाऊंगी, अब मैं 9 o'clock यानी स्मॉल हैंड किस पे करूंगी? 9 पर। देखो मैंने 9 पर कर दिया, ये देखो 9 है ना, ये लिखा हुआ 9। क्या टाइम हो गया? 9 o'clock। अगर मुझे ये 10 पर करना है, 10 o'clock, तो चलो मैं अब इसको 10 o'clock भी करके बताती हूँ आपको। चलो अब मैं जो बताओ, ये जो स्मॉल हैंड किस पे होगा? 10 पर होगा। तो चलो मैं 10 पर करती हूँ, कौन सा टाइम हो गया ये? ये कौन सा टाइम हो गया? 10 o'clock। कौन सा टाइम हो गया? 10 o'clock। स्मॉल हैंड किस पे हो गया? 10 पर। अब मैं मुझे 11 o'clock करना है, तो स्मॉल हैंड किस पे कर रही हूं मैं? 11 o'clock पर। तो क्या यहां पर टाइम हो जाएगा? 11। क्या हो जाएगा? 11। और अगर मुझे ये 12 o'clock करना है यानी मुझे 12 बजे में दिखाने, तो मैं क्या करूंगी? स्मॉल हैंड भी इस पे होगा और बिग हैंड भी इसी पे होगा, तो क्या टाइम हो जाएगा? ये 12 o'clock। क्या टाइम हो जाएगा? 12 o'clock। तो इस तरीके से आप क्लॉक को बनाना सीख सकते हो। आपने अपने नोटबुक में इस तरीके से क्लॉक की प्रैक्टिस करनी है। आपको ये मैम ने 7 o'clock बताया, मैम ने आपको अलग अलग टाइम यहाँ पर सिखाए हैं, तो आपने मोर क्लॉक की प्रैक्टिस करनी है। कितने बॉक्स लेने हैं? 1 2 3 4, ऐसे 4, 1 2 3 4, 4, यहां पर भी 4 बॉक्स लेंगे। इस तरीके से बॉक्स बनाकर, इस तरीके बॉक्स में आपने बाहर वाले साइड में इस तरीके से आपने आउटलाइन करनी है, बाहर वाले साइड में 4 बॉक्स इधर, 4 इधर, 4 इधर, 4 इधर, ठीक है। और बीच में क्या हो जाएगा? ये आपका सेंटर पॉइंट हो जाएगा, ठीक है बेटा। आई होप आपको क्लॉक यानी टाइम बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।
आपने क्लॉक की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय बेटा।